सुप्रभात बच्चों, इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में क से ज्ञ तक के सारे अक्षरों से शब्द बनाने सिखा दिए हैं। अब मैं उसका रिवीजन कर रही हूँ कुछ कुछ अक्षरों को लेकर। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर वन, ये कौन सा अक्षर है? म। म से हम क्या शब्द बनाएंगे? म में आकार की मात्रा आ, ल में आकार की मात्रा ला, माला। ये है बच्चों माला। नंबर टू, छ। ये कौन सा अक्षर है? छ। अब मैं छ से एक शब्द बनाने जा रही हूं। छ में आकार की मात्रा छा, त में आकार की मात्रा छाता। ये बच्चों छाता है। नंबर थ्री, ये कौन सा अक्षर है? ब। अब मैं ब से एक शब्द बनाने जा रही हूं। ब में आकार की मात्रा बा, घ बाघ। ये देखो बच्चों, ये बाघ है। नंबर फोर, ये कौन सा अक्षर है? ख। ख से अब मैं एक नया शब्द बनाने जा रही हूं। ख में आकार की मात्रा ट, खाट। ये है बच्चों खाट। नंबर फाइव, ये कौन सा अक्षर है? घ। अब मैं घ से एक शब्द बनाने जा रही हूं। घ में आकार की मात्रा घड़ा। ये है बच्चों घड़ा। नंबर सिक्स, ये कौन सा अक्षर है? न। अब मैं न से एक शब्द बनाने जा रही हूं। न, न में आकार ना, व नाव। ये है बच्चों नाव। नंबर सेवन, ड। अब मैं इससे, ये कौन सा अक्षर है? ड। अब मैं ड से एक शब्द बनाने जा रही हूं। ड आकार की मात्रा ल, डाल। ये है देखो बच्चों, ये डाल है, जिसको टहनी भी बोलते हैं। नंबर एट, ये कौन सा अक्षर है? ये हमारा सबसे पहला अक्षर है, क। इससे मैं एक शब्द बना रही हूं। क में आकार की मात्रा का, न कान। ये देखो बच्चों, ये कान है। नंबर नाइन, ये कौन सा अक्षर है? ज। अब मैं ज से शब्द बना रही हूं। ज में आकार की मात्रा, ल में आकार की मात्रा जाला। देखो बच्चों, ये जाला है। नंबर टेन, न। ये कौन सा अक्षर है? न। न से मैं एक शब्द बनाने जा रही हूं। न में आकार की मात्रा ग, नाग। ये है बच्चों नाग। अब मैं आपको इसको फिर से एक बार समझाती हूं। म माला, ये बच्चों माला है जिसे हम पहनते हैं। छ से छाता, छाता जिसे हम गर्मियों में और बारिश के मौसम में इसको लेते हैं। ये क्या है? ब बाघ। ये बच्चों बाघ है, ये एक जंगली जानवर है। ख खाट, खाट हम खटिया को कहते हैं, जो सबके घरों में देखने को मिलता है। घ घड़ा, ये बच्चों ये घड़ा है, इसमें हम पानी रखते हैं और इससे हम पानी को निकालते हैं, ठीक है। न नाव, ये नाव है जिसमें बैठ करके लोग घूमते भी हैं और मछुआरे इससे इसमें बैठकर मछली भी पकड़ते हैं, ठीक है। ये यातायात का साधन है और ये पानी में चलता है। नंबर सेवन, ड। डाल, बच्चों ये पेड़ है, ये पेड़ की डाल है, इसे हम पेड़ की डाल या पेड़ की टहनी भी कहते हैं। क कान, ये तो आपको पता ही है, कान जो आप प्रतिदिन उसको छूते भी हैं, है ना। ये कान है जिससे हम सुनते हैं। नंबर नाइन, ज जाला,
जाला भी आपने देखा होगा, घर की छत पर ये मकड़ी इसे जाले का रूप बना देती है और कितनी खूबसूरती से बनाती है, देखो है ना। नंबर 10, नाग। ये बहुत ही भयंकर नाग है, इससे तो सचमुच बहुत डर लगता है ना बच्चों, आप इसे इससे बहुत दूर रहना, ठीक है, ये नाग है। चलो बच्चों, अब मैं आपको होमवर्क में इसे रिपीट करने को कह रही हूँ, रिपीट करना या इसे कॉपी में अपने पेरेंट्स को कहना, कुछ भी अक्षर लिख देंगे, जरूरी नहीं है कि जिस अक्षर को मैंने लिखा है वही अक्षर लिखेंगे, आपके पेरेंट्स आपकी कॉपी में कोई भी अक्षर क से ज्ञ तक के लिख देंगे और आपको उसे होमवर्क में बनाना है, और आपको ये चित्र नहीं बनाना है। आप होमवर्क में कितने बनाएंगे? सिर्फ 5। कितने बनाओगे? 5। होमवर्क में 5 5 एक शब्द लिखोगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम लोग जॉनी जॉनी यस पापा राइम्स को पढ़ेंगे। आपको याद है ये राइम्स? जरूर आपको याद होगा, क्योंकि ये तो आप क्लास में सब हमें सुनाते थे, मैम भी बोलती थी और तुम लोग भी सुनाते थे। तो चलो इसको हम लोग फिर से आज पढ़ते हैं। जॉनी जॉनी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। इस बच्चे का क्या नाम है? जॉनी। और ये कौन है? जॉनी के पापा हैं, जॉनी के फादर हैं। और जॉनी जो है चुपके चुपके मम्मा का किचन में गया, रसोई घर में, और वहां जाकर डब्बे से क्या निकाला? शुगर। शुगर को क्या बोलते हैं? चीनी। और वह चुपके से खाने लगा। जैसे ही वो चीनी मुंह में डाला, उसी वक्त उनके पापा, जॉनी के पापा आए और जॉनी से पूछने लगे, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग अ लाई नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो जॉनी के पापा जॉनी से पूछने लगे कि जॉनी तुमने छिपकर चीनी खाया, शुगर खाया? तो जॉनी ने कहा, नहीं पापा, मैंने नहीं खाया। तो जॉनी के पापा बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। लाइज में क्या होता है? झूठ बोलना। आप लोग झूठ नहीं ना बोलते? नहीं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गॉड सब देखते हैं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जॉनी के पापा जॉनी से बोले कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो बोले, नहीं पापा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जॉनी के पापा बोले कि अगर तुम झूठ नहीं बोल रहे हो तो अपना मुंह खोल कर दिखाओ कि आपके मुंह के अंदर चीनी है या नहीं। तो जॉनी जैसे ही मुंह खोला, उसके मुंह के अंदर क्या था? चीनी। और उसकी चोरी पकड़ी गई और वह जोर से हंसने लगा, हा 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 करके हंसने लगा। तो आप लोग भी इस राइम्स को पढ़ोगे और याद करोगे। चल, थैंक यू।